ये आदत को हमें बदलना है। हम लोगों को जब भी रेड लाइट होती है और सबको एक ये शपथ लेनी है कि मैं एटलीस्ट कम से कम मैं जरूर यातायात के नियमों का पालन करूंगा। तो आप जब भी लाइट होती है तब आप दाएं बाएं देखकर फिर निकले, फिर गाड़ी की रफ्तार जो है, जो बच्चे बाइक चलाते हैं वो शहर के। बाकी आजकल धर्म का समय है, जहां तक संभव हो जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हमें यूज करना चाहिए। इसकी सबसे ज्यादा सार्थकता जो है वो दिसंबर जनवरी में ही है। दुर्घटनाएं सड़क पर होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ध्यान से चले, बाएं ओर चले और सुरक्षा नियमों का पालन करें। और जहां लाल बत्ती लगी हुई है तो हम चाहते हैं कि आप इस चीज का शिकार बने, कि आपकी सभी की ज्वेलरी और आपके सुकून के अंदर हम कहेंगे जो आपके पीटीआई भाई चलना रुकना कहा कि चीजों को फॉलो करना। तो धन्यवाद हमारे बीच खुला चुके हैं, तो उत्तर ट्रैफिक पुलिस संस्था और रोड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन संस्था की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो ट्रैफिक पुलिस संस्था की तरफ से डॉक्टर राजश्री सिंह जी का पधारने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हुए है एक तारीख से सात तारीख तक ये सप्ताह मनाया जाता है। जो थोड़ा बहुत संदेश लेते हैं उसका असर घर जाते जाते अगर खत्म हो जाए तो उसका कोई विशेष फायदे वाली बात नहीं है। आप और हम सब लोग इसके बारे में अवेयर हों और जो यातायात के नियम हैं उनका हम आप और हम सुरक्षित रह सकें, हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि जो हमारा आरएसओ जो रोड सेफ्टी और बुजुर्ग लोग हैं वो ऑलरेडी अपने जीवन की नींव रख चुके हैं और वो पक्के हो गए हैं। अब जो माइंडसेट जो बदलना है वो छोटे बच्चों का बदलना है। हम लोगों का माइंडसेट तो ऑलरेडी फिक्स हो चुका है। अगर हमारे दिमाग में ये बात बैठ गई है कि हमने सड़क के नियमों का पालन करना है और दूसरों को भी सुरक्षित रखना है अपनी जिंदगी के साथ साथ। वन बाय वन मैडम ला दो गड्डी बहुत लंबा शो ऐसा है कि हर साल हम जो है ना 1 से 7 जनवरी तक ये सड़क सुरक्षा सप्ताह सारे देश में मनाया जाता है। और आजकल ये जो सड़क सुरक्षा का जो विषय बड़ा महत्व का विषय हो गया है, क्योंकि करीबन 1 से 1.5 लाख से भी ऊपर जाने जो हैं हर साल सड़क सुरक्षा में चली जाती हैं। तो लोगों में अवेयरनेस के लिए ये सप्ताह मनाया जाता है। विशेषकर जो स्कूल के बच्चे हैं या दूसरे ड्राइवर हैं, अभी 1 तारीख को हमने इसको शुरू किया था और 2 तारीख को हमने एलनाबाद में भी सभी ड्राइवरों का मेडिकल चेकअप करवाया है और स्कूल के बच्चों का भी एक कैंप रखवाया था और स्कूल की सभी बसों को हमने चेक करवाया है। इसी प्रकार के हमने एक प्रोग्राम और भी रखे, हमने स्कूलों के अंदर पेंटिंग और सेलोगन का और एक डेक्लेमेशन का 4 तारीख को उसमें हमें यहाँ संस्कृति स्कूल में करने जा रहे हैं, जिसमें बच्चों को जो 1st 2nd 3rd आएंगे उनको इनाम देंगे। इसके अलावा सभी तरह के अवेयरनेस आज भी इसी उसी कड़ी में आज ही एक प्रोग्राम यहाँ रखा हुआ है, इसमें रैली निकालेंगे। तो मुख्य उद्देश्य है कि लोगों में संवेदनशीलता आए इस बारे में कि सड़क सुरक्षा एक बड़ा इम्पोर्टेंट विषय है और नियमों का वो लोग पालन करें। सड़क पर चलते समय हर आदमी जो है सड़क की सुरक्षा के बारे में, लोगों की सुरक्षा के बारे में ध्यान दे, तो इसलिए सड़क सुरक्षा मना। नंबर क्या आपका? पीछे करो सामान।
ताकि आप सब लोगों को जानकारी है कि 1 जनवरी से और 7 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है, तो उसी के बीच ये कार्यक्रम हमने रोड शो का किया गया है। लोगों को हम अवेयर करेंगे, सड़क पे जो चलने वाले आम इंसान हैं और जो बड़े जो वाहन चलाते हैं उन सबको भी अवेयर करेंगे। पूरा सप्ताह जो है हमारा ये सड़क सुरक्षा सप्ताह है और इसमें सभी को हम सड़क के नियमों का पालन करना सिखाएंगे। बच्चे हमारा फ्यूचर हैं और जब तक उनके माइंडसेट में ये नहीं होगा फिक्स कि हमने यातायात के नियमों का पालन करना है तो हमारा फ्यूचर कैसे ठीक हो सकता है। यही मान के हम बच्चों को अवेयर करवा रहे हैं ताकि वो अपने आसपास भी सब लोगों को ये अवेयरनेस फैलाएं। आज का प्रोग्राम हम पूरे सिरसा शहर में रोड शो निकालेंगे जिसमें ट्रैफिक के नियमों का भी पालना करने के लिए बताएंगे और साथ में ये बैनर्स आप देख रहे हैं इनको भी डिस्प्ले किया जाएगा ताकि आम आदमी के दिमाग में ये बात बैठ जाए कि ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए। एक संदेश है कि सभी ट्रैफिक के नियमों का पालन करें, चाहे कोई ट्रैफिक का कांस्टेबल चौराहे पे खड़ा है नहीं खड़ा है, आप ट्रैफिक के लाइट को जंप ना करें, आप जल्दी ना करें क्योंकि जल्दी में हमेशा देर हो जाती है, कुछ ना कुछ अनहोनी हो जाती है, वो आपके लिए भी खतरनाक है और बाकी रोड यूजर्स के लिए भी खतरनाक है।